दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट क्रिकेट में होते तो टेस्ट क्रिकेट टीम और मजबूत होती, और जो हार भारत को मिली है उसके बाद जो महेंद्र सिंह धोनी ने बयान दिया है उससे आप एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में MSD एग्री लिखना ना भूलें। हम बता रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे टेस्ट मैच में हार के बाद एक भावुक बयान दिया है और टीम मैनेजमेंट, ओपनर और ऋषभ पंत को हार का जिम्मेदार ठहराया है। महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि दूसरे टेस्ट मैच में मिली 146 रनों की हार के लिए टीम मैनेजमेंट सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि एक स्पिनर तो इस विकेट पर होना चाहिए था, चाहे कुलदीप यादव चाहे रविंद्र जडेजा, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने किसी भी को नहीं खिलाया। वहीं दूसरा जिम्मेदार उन्होंने ओपनरों को ठहराया कि ओपनर ने इस विकेट पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, वहीं ऑस्ट्रेलिया के दोनों पारियों में ओपनरों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके लिए उन्होंने KL राहुल और मुरली विजय को फटकार भी लगाई। महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरा रीजन ऋषभ पंत को ठहराया। ऋषभ पंत के बारे में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि अगर वो दोनों पारियों में गलत शॉट ना खेलते तो शायद टीम इंडिया को लीड मिल जाती, और लीड मिलने के बाद एक मानसिक बढ़ाव मिलता जिसके बाद शायद टीम इंडिया और पॉजिटिव वे में खेलती तो शायद टीम इंडिया को जीत मिल जाती। वहीं पूरी टीम को भी महेंद्र सिंह धोनी ने निशाने पर लिया और कहा कि टीम इंडिया को ये समझना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में जीतने का ये सुनहरा मौका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम कमज़ोर है और भारत की टीम काफ़ी मजबूत। अगर वो ऐसी कमज़ोर टीम से हारती है तो उन पर सवाल ये निशान बनते हैं। आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 146 रन की हार का सामना करना पड़ा, जिसमें विराट कोहली का शानदार शतक भी था, वो भी बेकार चला गया, और टीम इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी हुई लेकिन उसका फायदा टीम इंडिया नहीं उठा पाई। अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी की इन सब बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में I am agree with MSD लिखना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।